नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोनू कंबोल सिरसा हरियाणा से आज फिर से आप लोगों के लिए एक छोटी सी जानकारी लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जैसे आप लोग पुरानी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आए। आज हमारे पास एक सेट आया है, एंड्रॉयड टीवी है, जो कि जिसका बोर्ड यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। नंबर जो बोर्ड का है वो है TPMS338PB801। ये 32 इंच का सेट है और इसके अंदर यहाँ पे देख सकते हैं BOE का जो पैनल है वो लगा हुआ है। दो कोफ का ये पैनल है इसके अंदर। और इसके अंदर जो प्रॉब्लम है सबसे पहले वो दिखा देता हूँ। इसमें जब हम सेट को ऑन करते हैं, यहाँ पे मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए दोस्तों स्मार्ट टीवी लिख के आया है। उसके बाद इसका एंड्रॉयड पे लोगो आया और उसके बाद ये सेट जो है ऑफ हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें प्रॉब्लम। यहाँ पे देखिए विजडम शेयर का जो यहाँ पे सीन आया और उसके बाद ये फिर से ऑफ हो गया। और फिर से हम ऑन करते हैं तो स्मार्ट टीवी आएगा और लोगों पे स्टार्ट होके ये ऑफ हो जाता है टीवी। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। तो इस समस्या में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि इस तरीके का कभी प्रॉब्लम आता है एंड्रॉयड पे, अगर हैंग प्रॉब्लम आता है या रीस्टार्ट का प्रॉब्लम आता है, तो बहुत से हमारे जो नए टेक्नीशियन भाई हैं वो इसके अंदर सॉफ्टवेयर ट्राई करते हैं कि सर हमको सॉफ्टवेयर चाहिए, या वो ग्रुप से उठाएंगे सॉफ्टवेयर या किसी से भी अपने दोस्तों से सॉफ्टवेयर लेके इसके अंदर इंस्टॉल करते हैं। लेकिन कई बार मैंने देखा है कि सॉफ्टवेयर करने के बाद भी समस्या जो है हल नहीं होती, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम जो रहता है सबसे पहले आपको चेक करना होता है कि हार्डवेयर से रिलेटेड तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि आज है ये मेरे पास जो सेट आया है इसमें मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरीके की समस्या है, क्योंकि हर एक लोगो हैंग या रिस्टार्ट प्रॉब्लम का जो हल है वो सॉफ्टवेयर नहीं होता है। तो उसके ऊपर ये हमारी छोटी सी वीडियो है, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर हार्डवेयर में क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि सबसे पहले तो हमको इसकी शॉर्टिंग चेक करनी होती है। मैं बहुत से वीडियोज़ जो मैंने बनाए हैं उनमें यही आप लोगों को बताता हूँ कि कम से कम आपको कभी भी बोर्ड रीस्टार्ट में आता है या लोगो हैंग पे या किसी स्टैंड बाई प्रॉब्लम में, तो शॉर्टिंग आपको ज़रूर चेक करना होता है। तो ऐसे बोर्डों में क्या रहता है कि कई बार शॉर्टिंग हमें देखने को मिलती है, जिसके वजह से हमारा जो प्रॉब्लम है वो रीस्टार्ट होता है। तो हम ये जो हमारे 1.2 3.3 या 1.5 है इन पे शॉर्टिंग चेक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मीटर में आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं है, यहाँ पे भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। इसी तरीके से ये 1.2 का है, यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं है, यहाँ पे भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। और यहाँ पे जैसे ही ये 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये 3.3 वोल्ट का जो रेगुलेटर लगा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, मीटर में देखिए 13 ओम का शॉर्टिंग है जो कि अब नॉर्मल है। यहाँ पे 13 ओम का शॉर्टिंग जो है 12 ओम का यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ये जो सप्लाई है ये प्रोसेसर की VCC जो प्रोसेसर की सप्लाई है, तो ये 3.3 वोल्ट शॉर्ट है। इसके कारण हमारा जो प्रोसेसर है वो एक बार ऑन होता है उसके बाद फिर से ये स्टॉप हो जाता है, और इसका ये प्रोसेसर जो है वो शॉर्ट हो चुका है। मैंने जब हम इस पर हाथ रखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हीट है, और मैंने यहाँ पे शॉर्ट किलर अप्लाई करके भी देखा 1.2 से, तो ये जो IC है वो हीट हो जाता है। इट मीन्स कि हमारा जो प्रोसेसर है वो ख़राब हो चुका है, इसको रिप्लेस किया जा सकता है या पूरा बोर्ड जो है वो चेंज किया जाता है। इसमें सॉफ्टवेयर से आप इसको हल नहीं कर सकते हैं। तो आज का जो मेरा मोटिव था जो वीडियो बनाने का, आज का इन्फॉर्मेशन देने का, तो कभी भी इस तरीके का कोई भी एंड्रॉयड बोर्ड आता है, चाहे ये है चाहे कोई भी एंड्रॉयड बोर्ड आता है, अगर उसमें रीस्टार्ट की प्रॉब्लम है लोगो हैंग रीस्टार्ट की प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहले आपको चेक करना है। हार्डवेयर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे कि यहाँ पर मैं फिर से दिखाता हूँ इसका जो 3.3 वोल्ट जो है वो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आप, यहाँ पे 3.3 वोल्ट है, वो 13 ओम तक का शॉर्टिंग है इसके अंदर। तो ये समस्या जो मेन प्रोसेसर से है सॉफ्टवेयर से नहीं है। तो इस तरीके से आज कोशिश की है मैंने ये समझाने की कि किस तरीके से आप बोर्ड में आप चेकिंग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगी, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में शेयर करिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।